नमस्कार, माता के चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भारत में प्राचीन काल से ही माता की शक्तियों का बहुत महत्व है। हमेशा से ही देवी माँ अपनी शक्तियों से दुष्टों और असुरों का नाश करती आ रही हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही माँ के चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे लेकर मान्यता है कि यहाँ माँ के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है। देवी दुर्गा का यह प्रसिद्ध मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर मौजूद इंद्रकीलाद्री पहाड़ी पर स्थित है। कनक दुर्गा माँ का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित कनक दुर्गा माँ की प्रतिमा स्वयंभू है। पहाड़ी की चोटी पर बसे इस मंदिर में श्रद्धालुओं के जय घोष से समूचा वातावरण और भी आध्यात्मिक हो जाता है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए कुछ श्रद्धालु हल्दी द्वारा सीढ़ियों को सजाते हुए भी चढ़ाई करते हैं, जिसे मेतला पूजा यानी सीढ़ियों का पूजन कहा जाता है। वैसे तो चमत्कारिक मंदिरों से जुड़ी हुई कई कथाएं होती हैं, और इसी तरह माँ के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी हुई भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा अनुसार एक बार राक्षसों ने अपने बल का प्रयोग कर पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी। तब अलग अलग राक्षसों को मारने के लिए माता पार्वती ने अलग अलग रूप धारण किए। उन्होंने शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए कौशिकी, महिषासुर के वध के लिए महिषासुर मर्दिनी व दुर्गम सुर के लिए दुर्गा जैसे रूप धारण किए, और राक्षसों के वध के बाद माता को एक ऐसे स्थान की तलाश थी जिस पर वह निवास कर सके। तब उन्होंने एक श्रद्धालु कीलाणु को पर्वत बनकर स्थापित होने का आदेश दिया, जिस पर माँ स्वयं वहाँ विराजमान हुई। नवरात्रि में यहाँ खास तौर पर माँ देवी कनक दुर्गा को विशेष रूप से बाल त्रिपुरा सुंदरी, गायत्री, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा देवी, महिषासुर मर्दिनी और राजराजेश्वरी देवी के रूप में सजाया जाता है। यूं तो माँ की कृपा पाने के लिए पूरे साल ही इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की छटा निराली ही होती है। श्रद्धालु यहाँ पर विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या के फलस्वरूप अर्जुन को पशुपशास्त्र की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर को अर्जुन ने माँ दुर्गा के सम्मान में बनवाया था। साथ ही यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि आदि देव शंकराचार्य ने यहाँ भ्रमण किया था और अपना श्री चक्र स्थापित करके माता की वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना की थी। वैसे यहाँ पर भक्तों द्वारा यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं इंद्रदेव भ्रमण करने आते हैं, इसीलिए इस पर्वत का नाम इंद्रकीलाद्री पड़ गया है। यहाँ की एक और खास बात यह है कि सामान्यतः देवताओं के बाएं स्थान पर देवियों को स्थापित करने का रिवाज होता है, लेकिन यहाँ इस रिवाज को तोड़ते हुए मलेश्वर देव की दाई दिशा में माता को स्थापित किया गया है। इससे यह पता चलता है कि इस पर्वत पर शक्ति की अधिक महत्ता है। तो आज माता के चमत्कार में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।